प्रथम वखत हैप्पीनेस डे ની શરૂઆત કરવામાં આવી છે જેની શરૂઆત જૂનાગઢ થી થઈ છે મહત્વનું છે કે આજકાલ આપણા ભાગદોડ વાળા જીવનમાં સ્ટ્રેસ વધી ગયું છે જેના કારણે કદાચ આપણે સૌ કોઈ એક રોબોટિક લાઈફ જીવવા મજબૂર થઈ ગયા છે અને એટલા માટે જ હવે આ હેપીનેસ ડે ની શરૂઆત કરવામાં આવી છે શું છે તેની ખાસિયતો આવો જોઈએ આ રિપોર્ટમાં નમસ્કાર આપ જો રહ્યા છો ગુજરાત તક અને આપની સાથે હું છું સૌમ્યા इंडिया में फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री हमने हैप्पीनेस एडमिनिस्ट्रेशन का लॉन्चिंग किया है जहाँ पे आवर थीम इज़ हैप्पीनेस इन एडमिनिस्ट्रेशन एंड हैप्पी एडमिनिस्ट्रेशन जो कि हमारे तंत्र की तमाम कामगिरी जो कि लोगों के साथ है लोगों के प्रति है जो डेमोक्रेसी का थीम है डेमोक्रेसी फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल तो उसी तरह हमारा एडमिनिस्ट्रेशन फॉर द पीपल बाय द पीपल ऑफ द पीपल की तरफ रहेगा सिनर्जेस्टिक रिलेशनशिप रहेगा पर उसके लिए हम सबको पहले हैप्पीनेस होना चाहिए हमारे अंदर तो उसके हमने सारे तमाम पॉइंट्स डिस्कस किए और हमने लास्ट में कंक्लूजन पे ये पहुँचे कि हैप्पीनेस इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और हम लोग को इंश्योर करना है कि हमें हैप्पीनेस जो कि कंटेजियस माना जाता है हम हैप्पी रहेंगे तो ही हम पॉजिटिवली दूसरों के लिए हेल्प कर सकते हैं और जो लास्ट डाउन ट्रॉडन सेक्शन तक हम पहुंच पाए और वो खुश रहे हमारे से तो आई थिंक दैट इज़ द मोस्ट डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी स्कीम कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम लॉन्च होती है तो मोस्ट डिज़ायर्ड ऑब्जेक्टिव वही होती है एंड ऑन दैट पार्ट आई थिंक आवर टीम इज़ वेरी मच रेडी एंड वी वुड बी द पार्ट ऑफ द हैप्पीनेस एडमिनिस्ट्रेशन टू मेक श्योर दैट एवरी वन हु इज़ इन द एडमिनिस्ट्रेशन शुड बी हैप्पी टू मेक द पीपल हु आर कनेक्टेड विद द एडमिनिस्ट्रेशन टू बी हैप्पी एंड हैप्पीनेस बाय द एडमिनिस्ट्रेशन विल ऑल्सो बी फ्रूटफुल इन दिस रिगार्ड अपार्ट फ्रॉम दैट उसके अलावा दो और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा पहला कि जितने हमारे टीम मेम्बर्स हैं आई एम वेरी मच थैंकफुल टू देम कि आज तक उन्होंने हमेशा एक हैप्पीनेस मोमेंटम के साथ काम किया है एंड आई थिंक दैट मोमेंटम शुड डेफिनेटली राइज एंड शुड डेफिनेटली इंक्रीज एंड सेकेंड बात यह है कि आपके अंदर कुछ भी ऐसा नेगेटिविटी आता है तो आई थिंक कोई नेगेटिविटी को उसके नेगेटिव फॉर्म में नहीं लेना चाहिए उसको एज अ चैलेंज लेना चाहिए ताकि आप उस चैलेंज को एक्सेप्ट करो एंड यू रीबिल्ड योर सेल्फ एंड यू रीफ्रेम योर सेल्फ टू काउंटर दैट चैलेंज एंड मेक श्योर यू कम आउट ऑफ इट इन अ पॉजिटिव वे लास्टली मैं एक थीम के साथ इसको एंड करता हूँ कि कोई भी इंसान जब अपने रास्ते पे स्टार्ट करता है तो वो रास्ते में सिर्फ एंड सिर्फ कांटे भरे रहते हैं लेकिन हर इंसान को कंटिन्यू करना चाहिए उन कांटों से भटकना नहीं चाहिए आप कांटों पे कंटिन्यू रहोगे तो लास्ट में आप जब पहुंचोगे अपनी मंजिल पर तो आपको सारे जो पीछे कांटे हैं जिन्होंने आपको चैलेंज थ्रो किया था वो कांटे रोजेस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे इस इनिशिएटिव का जो मेन उद्देश्य है कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि लोगों के लिए इतना काम करता है उसके अंदर खुद के अंदर भी हैप्पीनेस होना चाहिए क्योंकि जब एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ही हैप्पीनेस नहीं होगा तो हम बाकियों को भी जो हमारा वर्क एफिशिएंसी है उसके थ्रू बाकियों को हेल्प नहीं कर पाएंगे तो सर का ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और इसके थ्रू हम ट्राई करेंगे कि हम जो भी हमारे कलीग्स हैं जो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हम उनको रीच थ्रू कर पाएँ हम सब ये चाहते हैं कि जो भी किसी को कोई औरत दर कोई भी तकलीफ हो और हमारे ऑफिस में जो आए तो उनके पूरी तरह से वो खुश होकर जाए हम सभी के एक्सपेक्टेशन तो खड़े नहीं उतर सकते लेकिन हम चाहते हैं कि 99.99% सभी पे सब खुश होकर ये यहाँ से जाए और देखेंगे कि सर ने बोला है कि हर हफ्ते यहाँ पे मीटिंग लेके और रेंडमली किसी भी 10 लोगों को यहाँ बुला के वो पूछेंगे कि कितने खुश है कि नहीं है तमाम समाचार जो आप जोता रहो गुजरात तक आ वीडियो ने लाइक और शेयर करवानो ना भूलता नमस्कार